दो साल तक माता जी की समस्या और लक्ष्मी ध्यान में देखने के साथ साथ अपना अगला फल है। जय हिंद जय भारत। मंचा से हमारे विभाग के पंचायत राज मंत्री हमारे अभिभावक श्री कपिल देव कामत जी, संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं बड़े भाई गोरखलाल यादव जी, संघ के प्रधान महासचिव श्री आनंद मोहन हरिंद जी, संघ के संयोजक श्री श्री संजय पांडे जी, संघ के वरीय उपाध्यक्ष श्री श्रीराम झा जी, डॉक्टर कमल किशोर जी, शिव कुमार जी, मनोज कुमार जी एवं नालंदा के जिला अध्यक्ष श्री अनिल पासवान जी और बिहार के तमाम कोने कोने से आए हुए जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष एवं सचिव भाई एवं बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बिहार एक प्रथम ऐसा राज्य है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से राम कचहरी का स्थापना की गई। माननीय मुख्यमंत्री का सोच है कि गांव का छोटे छोटे झगड़ों का गांव स्तर पर पंचायत स्तर पर निपटारा किया जाए तो अदालतों का बोझ घटे और आपस में प्रेम सद्भाव के साथ समस्त ग्रामवासी पंचायतवासी रह पाए। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग अपने आप को थक चुके थे, ऐसा महसूस करते थे कि अब हमें कोई रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से आज हम लोग इतने करीब 8,025 कचहरी सचिव भाई अपने पंचायत में ग्राम कचहरी सचिव के पद पर कार्यरत है। इसके लिए मैं तमाम सचिव भाई बहनों के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। ग्राम कचहरी एक ऐसी संस्था है जिसमें कम से कम खर्च में सुलभ एवं सस्ता न्याय मिल पाता। माननीय मंत्री महोदय, इस ग्राम कचहरी को सफल सुदृढ़ बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जो सराहनीय है। मित्रों, एक समय ऐसा आया था हम लोग पर संकट का बादल छा गया था, लेकिन उस विषम परिस्थिति में भी हमारे गार्जियन हम लोग को छूटने नहीं दिए और एक महीना के अंदर में अपना हमें अपने जगह पर पदस्थापित करने का कार्य किया। इसके लिए माननीय मंत्री को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। ग्राम कचहरी एक ऐसी संस्था है जिसमें ग्रामीण लोग को सस्ता सुलभ न्याय मिल पाता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा उत्तराधिकारी के द्वारा हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता, क्योंकि जब तक ग्राम कचहरी सुदृढ़ नहीं होगा तब तक हम लोग कार्य करने में सक्षम नहीं है। और इस दिशा पर माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि गांव कचहरी को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग एवं विभागीय अस्पताधिकारियों का सहयोग कराया जाए। माननीय मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम कचहरी एक ऐसा संस्था है जिसमें प्रत्येक माह में 100-150 मुकदमा का हल किया जाता है और ग्राम कचहरी सचिव बखूबी अपना कार्य का निष्पादन करते हैं, लेकिन आपके विभाग का ऐसी नजर व्यवस्था है, भुगतान की प्रक्रिया इतना जटिल है कि हम लोग पैसे के लिए होली दशहरा सब इसी तरह आस में बिता देते हैं। माननीय मंत्री महोदय से मांग करना चाहते हैं कि
मिनिस्टर विभाग के जो ग्राम कचहरी सचिव को भुगतान की जो प्रक्रिया है वो सरल कर दी जाए, ताकि कम तो कम भी सहे लेकिन कम मानदे भी हम लोग को सहसमान मिल जाए, क्योंकि इतना कम मानदे अभी किसी पर सब मिलाकर भी कोई नहीं है जितना कम मानदे हम लोग पाते हैं। और तो समय पर न मिलने के कारण हम लोग काट करते करते निराश हो जाते हैं। और ग्राम कचहरी में किसी तरह मांगे आ भी जाता है तो सरपंच महोदय के द्वारा हमें समय पर मांगे भुगतान न की जाती है, बल्कि हमें कुछ न कुछ बातों पर प्रताड़ित भी किया जाता है उनके द्वारा। माननीय मंत्री महोदय को मैं ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि किसी भी संस्था में संस्था के खाता का संचालन अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के द्वारा नहीं की जाती है। हम बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ग्राम कचहरी एक ऐसी संस्था है जिसमें सचिव के रहते हुए भी सरपंच एवं उप सरपंच के द्वारा खाता संचालन की कार्य दी जाती है। मनमाने ढंग से उनके द्वारा पैसा की निकासी की जाती है, विभागीय ऑडिट करिए और किसी प्रकार का आदेश को हम लोग फसाना पड़ता है, पैसा वो निकालते हैं और हिसाब हमें देना पड़ता है। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहेंगे इस दर्शन व्यवस्था को सुधारा जाए, ताकि हम सभी ग्राम कचहरी सचिव भाई अपने अपने कार्य करने में सफल हो। ग्राम कचहरी सचिव अपने सच्ची लगन के साथ कार्य करते हैं और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यदि विभाग का सहयोग हो, शासन मानदेय के भुगतान हो, प्रशासन हमें सहयोग करे, पुलिस पदाधिकारी हमें सहयोग करे, तो माननीय मुख्यमंत्री के जो सपना है वो धरती पर सरकार होते नजर आएंगे। ग्राम कचहरी कटाया नोटिस सब हमीरों को कहना पड़ता है, जबकि पूर्व में डीजीपी का भी आदेश इस मामले में आ चुका है कि ग्राम कचहरी के टांगला नोटिस चौकीदार के द्वारा किया, लेकिन जब हम लोग थाना पर जाते हैं तो उनके द्वारा कही जाती है कि चौकीदार की संख्या बहुत कम है और आप ही लोग अपने स्तर से नोटिस एवं टांगला कराए। उनके मौके से कहना चाहेंगे कि जब सचिव भाई किसी भी विभाग में तांगला नोटिस कराने जाते हैं तो वाद एवं प्रतिवादी के द्वारा तरह तरह का शिकायत बल्कि अपराध भी सुनना पड़ता है। और इस व्यवस्था को यदि सुधार दिया जाए तो ग्राम कचहरी एक मॉडल न्यायालय हो जाएगी और अधिकतर मामला ग्राम कचहरी में निष्पादन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग 2007 से ही बहाल है और निरंतर हमें ग्राम कचहरी के कार्य को करते आ रहे हैं, लेकिन देखा जाए हुजूर तो आज तक मात्र एक बार मांगे भी दी गई और इतना कम मांगे भी समय पर नहीं मिल पाने के कारण हम लोग लाचार हो जाते हैं और हरेक पर्व त्योहार में हम लोग को निराशाजनक आता है। ये व्यवस्था सुधर जाए तो ग्राम कचहरी कार्य करने में हम लोग को भी अच्छी रुचि लगन होगी। इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि माननीय महोदय के द्वारा इस दिशा में भी अपने स्तर से विभागीय कार्रवाई की गई है, लेकिन उस विभागीय कार्रवाई का फल अभी धरातल पर नहीं आ पाया, इस बात का हमें अफसोस। और मैं अपने गार्जियन से कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे ग्राम कचहरी की समस्या है उसको
मंत्री महोदय हमारे गार्जियन है, हमारे सरपंच की तरह है। मैं इनसे पुनः एक बार आग्रह करना चाहता हूँ कि बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए और हम लोग को संसद का हरण कर लीजिए। इन संसदों के साथ मैं हरेंद्र प्रसाद पटना जिला सचिव संघ अध्यक्ष सह प्रदेश कोषा अध्यक्ष जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश कोषाध्यक्ष भाई नरेंद्र प्रसाद जी। अब मैं महासभा आमंत्रित करूंगा।